आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी बॉक्स के बारे में। डीजी बॉक्स जो है इंडियन क्लाउड सर्विस है। इसमें जो है आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फोल्डर कोई भी रख सकते हैं और कोई भी जो है इसमें फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पिक्चर रखना है, कोई फोटो, वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जो है आपको फोल्डर वगैरह रखना है, तो वो जो है आप बहुत ही ईजी तरीक़े से रख सकते हैं और वो ये जो है आपको इंडिया में ही रहेगा। सुगाज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है डीजी बॉक्स पर किस तरीके से आप फोल्डर, कोई भी फोटो, वीडियो या कोई भी आप इसमें फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको जो फ्री वाला सर्विस जो आप लेते हैं आपको कम जीबी स्पेस मिलेगा। अगर वही जो आप परचेज करके लेते हैं डीजी बॉक्स में आप अपना परचेज करते हैं तो आपको जो है इसमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा और इसमें आप जो है बहुत सारा फोटो, वीडियो, इमेजेस फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है डीजी बॉक्स पे किस तरीके से फोटो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको इसमें एक्सेस करना है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलेगा। जैसे हो गया गूगल ड्राइव, गूगल ये सब जो हो गया इंटरनेशनल जो है हो गया, लेकिन आप जो डीजी बॉक्स जो है जो इंडियन क्लाउड सर्विस है और इसमें जो भी आप जो है कुछ भी फोटो या वीडियो या इमेजेस या फोल्डर रखिएगा वो आपको इंडिया में ही रहेगा। तो आपको कैसे डीजी बॉक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे इसमें आप फोटो, वीडियो को भी, फोल्डर को भी चीज़ को किस तरीके से आप एक्सेस करेंगे वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। अगर आप जो है डीजी बॉक्स को अपनाना चाहते हैं, इसमें आप सब कुछ रखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आप स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे किस तरीके से डीजी बॉक्स में अपना अकाउंट बना के किस तरीके से फोटो, वीडियो या आप इसमें फोल्डर कोई भी चीज़ को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सब कुछ इस वीडियो में सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीजी बॉक्स का लिंक मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन भी है और इसका वेबसाइट भी है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट आप किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड सर्विस है जैसे कि गूगल ड्राइव। इसमें आप अपना पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी तरह का डिजिटल डाटा आप इसमें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और आप किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह इंडियन क्लाउड सर्विस है, जैसे कि गूगल ड्राइव मेगा विदेशी कंपनी है, तो वही डीजी बॉक्स इंडियन क्लाउड सर्विस है। इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डेटा अपलोड करेंगे वो इंडिया में ही स्टोर होगा। डीजी बॉक्स इंडिविजुअल और इंटरप्राइज दोनों के लिए बनाया गया है। इंडिविजुअल इसमें अपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट को एक जगह स्टोर कर सकते हैं, जबकि इंटरप्राइज प्लान में अगर कोई कंपनी चाहे तो इसमें अपने डाटा स्टोर करके अलग अलग टीम मेंबर बना सकती है उसको एक्सेस करने के लिए। डीजी बॉक्स में 4 प्लान दिए गए हैं। पहला है फ्री प्लान, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, जिसमें आपको 20 GB स्पेस मिलेगा, जबकि आप इसमें मैक्सिमम 2 GB का प्लान इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि दूसरा है आपको इंडिविजुअल और फ्रीलांसर, इसमें आपको 30 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। इसमें आपको 2000 GB स्पेस मिलेगा और इसमें आप 10 GB मैक्सिमम फाइल इसमें आप रख एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप इसमें 10 GB का फाइल अपलोड कर सकते हैं और इसमें 2 GB का फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा है। फ्री वाला जो प्लान है इसमें देख रहे हैं कि आपको 20 GB फ्री मिल रहा है, आप इसमें 2 GB का आप इसमें कोई भी फाइल रख सकते हो और इसमें अगर पैसा लगाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें इंस्टाग्रामिंग से फीचर भी दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इसमें इंस्टाग्राम शेयरिंग में यहाँ पे आप 2 GB तक का फाइल कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। जस्ट आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी फाइल है वो फाइल को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जिसको भी सेंड करेंगे उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी ईमेल आईडी है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को आप एग्री करेंगे और कैप्चा को एग्री करने के बाद इसके बाद यहाँ पे जिसको भी इसके बाद यहाँ पे जिसको सेंड करेंगे उसका ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल पे एक ओटीपी दिया जाएगा, भेजेगा आपको मोबाइल पे ओटीपी, यहाँ पे डाल के यहाँ शेयर फाइल पे आपको ओके कर देना है। तो ये फाइल इसी ईमेल आईडी के साथ शेयर हो जाएगी और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो फाइल है ट्रांसफर सक्सेसफुली आपका फाइल जो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जिसको भी आपने फाइल सेंड की है उसको इस तरीके से इसका ये फाइल उसको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं गेट योर फाइल पर वो क्लिक करेंगे, उस फाइल को वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है जो आपने उसके साथ शेयर की है। तो आप इसमें 2 GB तक का फाइल शेयर कर सकते हैं। इसमें 45 डेज तक का टाइम दिया गया है, मतलब कि आपने जो भी फाइल सेंड किया है वो 45 डेज तक उसमें स्टोर रहेगी। अगर इसके बाद ये 45 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। डिजी बॉक्स यूज करने के लिए आप फ्री प्लान में यहाँ ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डीजी स्पेस आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट डीजी स्पेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना देख रहे हैं कि यहाँ आप अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे एड्रेस आपका आ जाएगा और GST नंबर है तो वो यहाँ पे डाल देना है। इंडस्ट्री आपको यहाँ से आपको चूज कर लेना कौन सा इंडस्ट्री है, यहाँ कंट्री ऑलरेडी आ चुका है। स्टेट अगर आपको जो भी है इसमें से अपना स्टेट इसमें से चूज कर लेना है। यहाँ पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर अगर कूपन कोड है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर अपना पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ कंसेंट देंगे। इसके बाद देख रहे हैं कौन फॉर्म डिटेल, इस पर आप ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको एक OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद कंसेंट देंगे। कंसेंट देने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद OTP डालने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे आएगा। यहाँ पर सिंपली देने के बाद यहाँ पे कन्फर्म डिटेल पे ओके करेंगे। यहाँ से इसी तरीके से इसका अपना अकाउंट बना लेंगे और इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इसको 20 GB मिलेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब तो ऐसे में यहाँ पे आप क्रिएट कर लेंगे, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कूपन कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर कूपन कोड आप कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो होगा ही नहीं। तो इसमें अभी बहुत सारा कमियाँ खामियाँ, यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट करने की ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है और यहाँ कूपन कोड वगैरह मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो पाता है। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे OTP प्रॉब्लम, पासवर्ड सेट करने की प्रॉब्लम, तो इसमें बहुत ही कमियां है। इसको भी बहुत ही कमियां, कुछ सभी जितना कमियां है इसको सभी को सुधार करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो यूजर्स फेस कर रहे हैं और यहां से तो मैं काफ़ी परेशान हूं। यहां से देख रहे कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इससे आगे मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप कर पा रहे हैं तो जैसे कीजिएगा तो आपको ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, और जैसे यहाँ कीजिएगा तो फिर आपको पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कहीं पासवर्ड वगैरह सेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप पासवर्ड भी वगैरह भी आप सेट नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है जो भी यूजर है जो फेस कर पा रहे हैं इस सारे प्रॉब्लम को। तो गूगल प्ले स्टोर पे इसका रेटिंग देख सकते हैं आप कि काफ़ी कम है, 2.5 का ही रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम है। कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद ये गूगल ड्रॉप और गूगल ड्राइव को ये जरूर टक्कर देंगे। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद गूगल ड्रॉप और ड्रॉप बॉक्स को ये ज़रूर टक्कर देंगे। तो गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के ये टक्कर देने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट के बाद ये आ जाएंगे, तो आपको अभी इसमें कुछ वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन अभी भी इसका इंस्टा शेयर फीचर काफ़ी अच्छा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि आप इसमें फाइल वगैरह कैसे सेंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो हमें दिखाया हूँ कि यहाँ से आप कितना जो फाइल वगैरह है, यहाँ से आपको भी फाइल जो वीडियो वगैरह यहाँ से बहुत ही आसानी से आप इसको कहीं किसी भी आपको ईमेल आईडी पे भेजना हो बहुत ही आसानी से आप भेज सकते हो। तो आप इसमें 2 GB तक का फाइल सिक्योरली कहीं भी आप बहुत ही आसानी से आप सेंड कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपको शो कर रहा है ऊपर में, तो यहाँ से इसको आप देख भी सकते हो। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से 2 GB फाइल है इसको आप देख भी सकते हो। सो गाइस, किस तरीके से आपको डीजी बॉक्स में फोटो वीडियो कोई भी फाइल को किस तरीके से एक्सेस करना है वो सारा कुछ आपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप
सीख ही लिया होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।